another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Style with Mericha. दोस्तों, जिस लिपस्टिक की एप्लीकेशन अभी आपने देखी है उसी का आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और वो लिपस्टिक है NYX प्रोफेशनल मेकअप की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, और इसका जो शेड है वो है बुडापेस्ट। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा शेड है। ये शेड मुझे ऐसे देखने में समझ में आ रहा था कि ये कुछ मरून टाइप का शेड होगा या थोड़ा सा वाइन काइंड ऑफ शेड होगा, बट ये जैसे कहते हैं ना, जो न्यूड शेड्स होते हैं उसका थोड़ा सा डार्क वर्जन है। तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है मुझे ये अप्लाई करने के बाद, और इसको आज मैं सेकंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैंने कल भी अप्लाई किया था जब मुझे ये रिसीव हुई थी, तो उस टाइम भी तुरंत लगाने पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ मरून सा जो इसका शेड आ रहा है, बट ये काफी ज्यादा मरून से डिफरेंट काइंड ऑफ शेड है। और आप इसका शेड अच्छे से चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर है। इसमें सॉफ्ट मैट लिप क्रीम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा क्रीमी टाइप का है, बट ये अच्छे से ड्राई हो जाती है आपके लिप्स के ऊपर। और इसको अगर आप इस तरीके से करके देखो, जैसे मुझे लगाए हुए इसको 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये हल्का सा ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है, बट हाँ आप कह सकते हो कि 99% ये ट्रांसफर प्रूफ है, क्योंकि आप बहुत ही हल्का सा इस पर टिंट देख रहे हो जो मैंने इस तरीके से किया इसकी लिप स्वाच के लिए। तो थोड़ी देर के बाद जब इसको आप लगाकर रखते हो तो ये प्रॉपर मैट फिनिश हो जाता है इसका, और ट्रांसफर नहीं होता है ये। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही लाइट सा आपको दिखाई दे रहा होगा, बस इतना ही इसमें से जो शेड है ये ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये ट्रांसफर प्रूफ हम इसको कह सकते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, और इसका आप देख सकते हो इसका एप्लीकेटर कुछ इस टाइप का है और स्ट्रेट है, बिल्कुल हल्का सा इस जगह पर बेंड होकर आ रहा है, तो आप आराम से इस पे अप्लाई कर सकते हो। और जो इसका बॉन्ड है, इसका जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो आप इसको अपने लिप्स के पास रखकर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन हो जाती है। और बहुत ज्यादा बार इसको आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे लिप्स पर कोई चीज लगी हुई है, यानी कि लिपस्टिक लगी हुई है। तो इस लिपस्टिक का जो नेट कंटेंट है वो है 8 ml का, एंड इसकी जो प्राइस है वो है 600 rupees, एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 years की। तो इस तरीके की पैकेजिंग आती है इसकी, इसके ऊपर एक प्लास्टिक सी शीट कवर होती है, और उसके बाद आप इसको निकाल कर अप्लाई कर सकते हो। और काफी ज्यादा मुझे ये शेड पसंद आ रहा है, मेरे पास इस टाइप का अभी तक कोई शेड नहीं था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेड चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हो। तो लिपस्टिक का वेयर टेस्ट भी कर लिया है मैंने, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपना लंच ले रही हूँ, जिससे कि पता चल जाएगा ये लिपस्टिक कितनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो लंच ले लिया था मैंने करीब इसको लगाने के 3 घंटे के बाद, और अब आप देख सकते हो कि जो लिपस्टिक है ये अंदर से थोड़ी सी तो फेड हुई है, बट फिर भी ये अच्छे से लगी हुई है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि आपको रीटच करने की ज़रूरत पड़े। और इसको मैंने शाम तक करीब रखा था, तो ये लिपस्टिक एक बार लंच लेने के बाद मेरे लिप्स पर कम से कम 6 से 7 घंटे आराम से लगी हुई थी। आई होप आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी पोस्ट करूंगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जब चाहे उसे देख सकते हो। सो फिर मिलूंगी एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।